फ्रेंड्स, बहुत बार हम अपनी डेली रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मुझे खाने दो, उन्हें आराम करने दो, मेरे भाई को गाड़ी चलाने दो, मेरी बहन को अखबार पढ़ने दो, बोलते हैं ना। आप बहुत बार डेली रूटीन में इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं लेट का। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है किसी भी काम को होने देना या फिर किसी भी काम को करने देना। जब हम कोई काम किसी व्यक्ति को करने देते हैं या फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें कोई काम करने देता है, मतलब कोई काम करने की परमिशन देता है, अलाउ करता है, तब हम लेट का यूज करते हैं और आज का हमारा टॉपिक यही है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप कुछ सेंटेंसेस से इसे और भी अच्छे से समझेंगे, जैसे मुझे खाने दो, लेट मी ईट। उन्हें आराम करने दो, लेट देम टेक रेस्ट। उसे अखबार पढ़ने दो, लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। मेरे भाई को गाड़ी चलाने दो, लेट माई ब्रदर ड्राइव अ कार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो लेट एक वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, लेट लेट लेट। और इसी तरह के सेंटेंसेस हम हजारों बना सकते हैं, जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। हमें खाना बनाने दो, लेट अस कुक द फूड। उन्हें आने दो, लेट देम कम। उन्हें टीवी देखने दो, लेट देम वॉच टीवी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें हमने ना का यूज नहीं किया। आइए कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम ना को यूज करेंगे और इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले इसका रूल जान लेते हैं। रूल है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि बहुत सिंपल, लेट से पहले डोंट का यूज किया जाएगा। जैसे उन्हें जाने मत दो, डोंट लेट देम गो। उसे हंसने मत दो, डोंट लेट हिम लाफ। हमें बैठने मत दो, डोंट लेट अस सिट। मुझे खाना पकाने मत दो, डोंट लेट मी कुक द फूड। मेरे भाई को गाड़ी चलाने मत दो, डोंट लेट माई ब्रदर ड्राइव अ कार। उन्हें आराम करने मत दो, डोंट लेट देम टेक रेस्ट। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए और लेट का यूज लगाकर, लेट को यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपने कौन सा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया लेट को यूज करके। और अगर आपको कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।